हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे आप आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। यदि आपने कुछ समय पहले स्नैपचैट पर अपना अकाउंट क्रिएट किया है और उस स्नैपचैट का पासवर्ड आपने बहुत ही हार्ड रखा था और अब आप दोबारा से स्नैपचैट अकाउंट पर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि आपने कौन सा पासवर्ड क्रिएट किया था, जिस वजह से अब आपको आपका स्नैपचैट का पासवर्ड फॉरगेट करना है। लेकिन आपको यह भी पता नहीं कि कैसे आप आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप आपके स्नैपचैट अकाउंट के पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। यदि आप आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं और अब आप आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह वीडियो ध्यान से लास्ट तक वॉच करना है, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कैसे आप आसानी से अपने स्नैपचैट अकाउंट के पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें, और अगर आप हमारी चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमेशा हमारे ऐसे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपको आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए सबसे पहले स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है। स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, यदि आप एक नए यूजर है, अगर आपने अभी तक स्नैपचैट ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करके अपना नया स्नैपचैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले से ही स्नैपचैट पर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है लेकिन आप आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं और अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे लॉग इन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर फोन नंबर में आपके स्नैपचैट अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर कनेक्ट है वह मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, और उसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आपके स्नैपचैट अकाउंट का जो पासवर्ड है वह पासवर्ड एंटर कर लेना है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि कैसे आप आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे फॉरगेट यूर पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। फॉरगेट यूर पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर फोन और ईमेल यह दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपने पहले स्नैपचैट पर अकाउंट क्रिएट करते समय यदि आपके स्नैपचैट अकाउंट के साथ ईमेल को कनेक्ट किया है तो आप यहाँ पर ईमेल के जरिए अपने उस जीमेल अकाउंट पर वेरिफिकेशन कोड ले सकते हैं, और यदि आपने आपके स्नैपचैट अकाउंट के साथ कोई भी जीमेल कनेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पर फोन पर क्लिक करके अपने फोन नंबर के जरिए वेरिफिकेशन कोड ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फोन पर क्लिक करता हूँ। यदि आपको आपके ईमेल एड्रेस पर वेरिफिकेशन कोड चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर फोन पर क्लिक करें। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर आपकी स्नैपचैट अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्ट है वह देखने को मिल जाएगा। यदि यह मोबाइल नंबर दूसरा है तो आपको यहाँ पर अपना सही मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके इस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड SMS के द्वारा भेजा जाएगा, वह वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। वेरिफिकेशन कोड इंटर कर लेने के बाद ये देखिए दोस्तों, अब आपका स्नैपचैट अकाउंट खुलकर आ गया है। तो आप यहाँ पर यदि प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके स्नैपचैट की प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप आपके स्नैपचैट अकाउंट के पासवर्ड को आसानी से फॉरगेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि दोस्तों अब आपको आपके स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए अब आपको आगे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यदि आपको आपके स्नैपचैट का नया पासवर्ड क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आ जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर नीचे पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पासवर्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ध्यान में नहीं है, जिस वजह से आपको यहाँ पर नीचे फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है, ताकि आप आपका नया पासवर्ड क्रिएट कर सके। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर फोन या ईमेल दोनों में से एक को चूज कर लेना है। यदि आप ईमेल को चूज करते हैं तो आपको आपके ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, और यदि आप फोन को चूज करते हैं तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन कोड SMS के द्वारा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर फोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद अब आपको आपके मोबाइल नंबर को चेक कर लेना है और नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको वेरिफिकेशन कोड SMS के द्वारा चाहिए या कॉल के द्वारा, यह आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए मेरा SMS कोड प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेंड टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेंड VI टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। वेरिफिकेशन कोड इंटर कर लेने के बाद अब आपका वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई होने लगेगा।
जिसके बाद आपका वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर आपका नया पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपके स्नैपचैट अकाउंट का एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है और आपको इस पासवर्ड को ध्यान में रखना है। यदि आप आपके स्नैपचैट अकाउंट के पासवर्ड को दोबारा से भूल जाते हैं तो आप आज की इस वीडियो में बताओ स्टेप्स के जरिए अपने स्नैपचैट अकाउंट के पासवर्ड को दोबारा से फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर आपके नए पासवर्ड को क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर आपका नया पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर मेरा नया पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पर आपका नया पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे दोबारा से वही पासवर्ड कंफर्म कर लेना है, यानी कि आपको दोबारा से नीचे वही पासवर्ड इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर कहा जाएगा योर पासवर्ड हैज बीन अपडेटेड, यानी कि दोस्तों अब आपका यह नया पासवर्ड क्रिएट हो चुका है और आपका नया पासवर्ड अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार आप आज के इस वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और इस प्रकार आप आपका नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको यह जरूर पता चल गया होगा कि कैसे आप आसानी से अपने स्नैपचैट अकाउंट के पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और अपना नया स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आप तक हमेशा हमारे ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।